गोर लगातार न्यूज समाचार बटुए डूमराउंड से रिपोर्टर बानी मनु कुमार जी। खबर के हेडलाइन सुनी, हर्षोल्लास से मनावल जा रहा बा बकरीद, सुबह से ही जमा भइले नमाजी। ईद उल अजहा खुशी आ शांति के अवसर है, जौना में सब लोग अपन परिवार के साथ मनावेला। तमाम लोग यह त्यौहार के मुबारकबाद देनी या कहनी कि खुशी के बात बा कि सब लोग एक जगह जुटल बटुए। खबर का बा एकरा के विस्तार से भोजपुरी समाचार बतावे जा रहा बा। खबर के अंत तक लाइव भी देखब, लेकिन रौरा दर्शक लोग से निहोरा बा कि अगर डुमराओं के खबर सबसे पहले पावे के बा तो चैनल के अभी बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, लाइक जरूर करी, कमेंट करके बताई खबर कैसन लागल, शेयर जरूर करी। खबर का बा विस्तार से जानी, कुर्बानी के त्यौहार ईद उल अजहा बकरीद जरा के लोग बकरीद कहला, जिला भर में हर्षोल्लास के रूप में मनावल जा रहा बा। अलग अलग मस्जिद में सुबह 6:45 से लोग नमाज अता करके एक दूसरा के बधाई देता रहन। ओहिजे बक्सर सांसद अश्विनी चौबे और सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी लोग के त्यौहार के बधाई देनी। जिला के शहर और ग्रामीण इलाका में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कैल गेल रहे। डुमराव में ASP श्रीराज, SDM कुमार पंकज, प्रखंड विकास पदाधिकारी साथे साथ डुमराव के थानाध्यक्ष, तमाम पुलिस बल, अनेक मस्जिद आ विभिन्न चौक चौराहा पे मुस्तैद दिखल। जिला के अन्य इलाका में भी संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष आ पदाधिकारी भ्रमण करत देखल गेलन। बता दी कि ईद अल अजहा के मौका पे एतवार के अनेक मस्जिद में नमाज अदा करे खातिर नमाजी इकट्ठा भइलन। ई लोग बतावल कि ईद अल अजहा एगो पवित्र अवसर है, जरा के बलिदान के त्यौहार कहल जाला। यह त्यौहार के धू उल हिजा के 10वें दिन मनावल जाला, जौन इस्लामी अथवा चांद कैलेंडर के 12वां महीना होला। इस सालाना हज यात्रा के अंत के प्रतीक है। हर साल तारीख बदलेला, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर पे आधारित बा, जौन पश्चिम 365 दिन के ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोट होला। बता दही कि तमाम लोग कहल कि ईद अल अजहा खुशी आ शांति के अवसर है, जौना में सब लोग अपना परिवार के साथ मनावेलन। तमाम लोग यह त्यौहार के मुबारकबाद दिलें आ कहलें कि खुशी के बात ई बा कि सब लोग एक जगह नमाज अदा कैले, जा बेहतरीन इंतजाम कैल गेल रहे। इस दौरान सब पुराना शिकायत आ गिला शिकवा के दूर करत एक दूसरा के साथ बेहतर संबंध बनावे के ई पैगाम ईश्वर के हटुए। ई पैगंबर अब्राहम के ईश्वर के सब कुछ बलिदान करे के इच्छा के यादगार त्यौहार के रूप में मनावल जाला। ये पर्व के त्यौहार के इतिहास लगभग 4000 साल पहले के बटुए, जब अल्लाह पैगंबर अब्राहम के सामने प्रकट भइल रही सबसे ज़्यादा प्यारा चीज के बलिदान देवे के कहले रही। एहमें तब से लेके आज तक ये त्यौहार खुशी आ हर्षोल्लास के साथ मनावल जाला। हजारों हजार के भीड़ डुमराओं के मस्जिद में इकट्ठा भइल। पुलिस प्रशासन पहले ही शांति समिति के बैठक कैलस, साथे सलाह लेलस कि जहाँ जहाँ कुछ कमी नजर आओ या प्रशासन अपना स्तर से व्यवस्था कर सको। पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हजारों के संख्या में लोग ईद अल अजहा के त्यौहार मनावल, साथे साथ नमाज अदा कई। रौरा सबके लाइव तस्वीर भोजपुरी समाचार डुमराओं के मस्जिद से दिखा रहा बा। रिपोर्टर मनु कुमार जी के रिपोर्ट हटुए, जहाँ से रौरा लाइव तस्वीर देख रहा बनी। बता दही कि त्यौहार के कुर्बानी के त्यौहार के रूप में कहल जाला। एहमें लोग में खुशी के माहौल रहेला, एक दूसरा के लोग मुबारकबाद देवेला। सुरक्षा के पुलिस पूरी तरह से व्यवस्था कैले रहे ताकि कहीं से भी कोनो गड़बड़ी के शिकायत मत मिले। हरेक चौक चौराहा पे पुलिस से लेके प्रशासन तक अलर्ट मोड में रहे ताकि कोनो भी प्रकार से गड़बड़ी मत हो पावे। भोजपुरी आ समाचार उरा दर्शक लोग के लाइव तस्वीर डुमराव से दिखा रहा बा, जहाँ देख सकीला पुलिस प्रशासन, ASP श्रीराज, SDM कुमार पंकज सहित थाना से लेकर के तमाम पुलिस बल तैनात बटुए ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाओ। तो शांतिपूर्ण तरीका से त्यौहार लगभग संपन्न होके के कागार को बा। भोजपुरी आज समाचार नमाज अता करत देखाई लाइव, लेकिन रौरा दर्शक लोग से नहीं हो रहा बाकी चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करी ताकि देश ना विदेश तक पहुँचे। देखी
Amen.